गोरखपुर में गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्री चौक पर विशाल लंगर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, राहगीरों व स्थानीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महदीपुर गुरुद्वारा के सचिव मनमोहन सिंह लाडे ने बताया कि गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश वर्ष एवं कार्तिक पूर्णिमा पर सिख समाज द्वारा इस लंगर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महदीपुर गुरुद्वारा के सचिव मनमोहन सिंह लाडे ने बताया, कैसा लंगर चल रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का ये जो लंगर का प्रोग्राम है, ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गुरु घर के लंगर का आयोजन किया गया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने ये उपदेश दिया था कि हे मनुष्य, कीरत करो और वंड छको, तुम अपने कामों को करते हुए मिल बांट के जरूरतमंदों में अपना दसवंत हिस्सा बांटो। आज उसी को भावनाओं पर चलते हुए आज यहाँ पर गुरु घर के अटूट लंगर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे भाई नवीन कृपलानी जी, समीक्षक रमानी जी, पूरा लक्ष्मी ब्रेकर्स परिवार का हमें अपार सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। मैं आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन प्रकाश पर एवं कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाहिगुरु जी का। मनमोहन सिंह, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर।